अपने वीडियोस में रीच लाने के लिए या अपने चैनल पे रीच लाने के लिए आपको स्पेशली तीन चीज़ का ध्यान रखना होता है जब आप कोई वीडियो को क्रिएट करते हैं। अब चाहे वो फूडिंग रिलेटेड वीडियोस हो, चाहे वो अनबॉक्सिंग रिलेटेड वीडियोस हो, चाहे आप ब्लॉग बनाते हो, चाहे आप ट्रैवलिंग ब्लॉग बनाते हो, चाहे आप एक ट्रैक क्रिएटर है, तो आपको तीन चीज़ का स्पेशली ध्यान रखनी होगी। तीन चीज़ दिमाग में बैठा के रख लो, ये तीन चीज़ आपने अगर कर दी आपके वीडियो में रीच बढ़ेगा, जिससे आपकी चैनल ग्रो होगी, आपके सब्सक्राइबर्स वैल्यू बढ़ेंगे और आप इजीली 1000 सब्सक्राइबर्स एंड 4000 वॉच आवर्स कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे और फिलहाल आज हम बात करने वाले हैं तीन चीज़ के ऊपर, और तीन चीज़ में हम सबसे इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं ऑडियो क्वालिटी के ऊपर। ठीक है, तीन चीज़ मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज़ होती है। सबसे पहले आपकी वीडियो क्वालिटी, जो अभी आप वीडियोस देख रहे होंगे, ये बहुत अच्छी होनी चाहिए, शार्प एंड क्रिस्पी होनी चाहिए। उसके बाद आपके कंटेंट, जो आप कंटेंट बता रहे हैं जिस मतलब जो वीडियो आप देख रहे हैं या जो वीडियो पे आप बताना चाहते हैं, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। और थर्ड वन आपकी ऑडियो क्वालिटी। अब होता क्या है कि बेसिकली वीडियो क्वालिटी तो हम दे सकते हैं, क्योंकि अगर हम दिन में बाहर आउटर साइड में अगर वीडियो को शूट करते हैं तो वीडियो क्वालिटी काफी अच्छी आती है। अभी आप जो वीडियोस देख रहे होंगे, ये मैं आउटसाइड पे शूट कर रहा हूं, अभी मैं अपने स्टूडियो पे नहीं शूट कर रहा हूं, अपने बाहर बरांडे में खड़े होकर मैं अपने वीडियो को शूट कर रहा हूं, तो यहां पे ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, कमरे के अंदर इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं देखने को मिलती है, नहीं तो आपको लाइट जो आर्टिफिशियल लाइट होती है उसके ऊपर ध्यान करना होता है, उसके ऊपर वर्क करनी होती है, आपको रूम के अंदर एक अच्छी खासी इंटेंसिटी जनरेट करनी पड़ती है। ठीक है, उसके लिए बहुत सारे लाइट आपको लगानी पड़ती है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपके पास टाइम है तो आप आउटसाइड में बैठ के अपने वीडियोस को क्रिएट कर सकते हैं, आपकी मोबाइल की कैमरा भी अच्छे आपको वीडियो क्वालिटी प्रोवाइड कर देती है। ठीक है, कंटेंट तो वो आपके ऊपर है, कंटेंट में आप कैसे लोगों को इंगेज कर सकते हैं, कैसे आपको लोगों को रोक के रखना है, वो आपको थोड़ा सा सोचना है, उस पर भी आपको वर्क करना है। थर्ड वन आपकी माइक। ठीक है, अब माइक बहुत प्रकार की होती है गाइस, यहाँ पे अभी मेरे पास एक माइक है, शॉटगन माइक बोलते हैं इसको, मोस्टली ब्लॉगर यूज करते हैं पर टेक क्रिएटर भी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, एक अलग से डेडिकेट वीडियोस बनाएंगे इसके ऊपर। फिलहाल जो अभी आप ऑडियो क्वालिटी सुन पा रहे होंगे वो हमारी बोया का BYM1+ से सुन रहे होंगे। ठीक है, अब फिलहाल क्या होता है कि बहुत सारे क्रिएटर्स जब अपने YouTube चैनल को स्टार्ट करते हैं तो उनके पास माइक नहीं होता है, तो आज के इस वीडियो पे हम आपको बताएंगे कैसे जो है आपके अनवांटेड चीज़ों को लेके आप एक माइक को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब अनवांटेड जो चीज़ होती है वो गाइस ये है, दिस वन अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे, एक एयरफोन सभी के पास होता है, ऑब्वियसली आपके पास भी एयरफोन जरूर पड़ा होगा, कोई भी खराब एयरफोन को आप ले सकते हैं। ठीक है, अब करना क्या है, सिंपली हमें ये वाला पोर्शन जो 3.5 mm का जैक होता है इसको अपने मोबाइल में क्लिप करनी है। मोबाइल को आप कहीं पे भी रख लेना, अपनी जेब में पॉकेट में कहीं पे भी रख सकते हैं। अब इसको करना क्या है, इसको जो है नीचे से आपको टी शर्ट के ऊपर रखनी है और इसको जो इस तरीके से फोल्ड करके रखना है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये मैंने यहाँ से डाल दिया, ये मैं डाल रहा हूँ, देखो माइक ये मैंने डाल दिया यहाँ पे। अब इस तरीके से आपको रख लेना है। ठीक है, ये माइक मेरा यहाँ पे आ गया है, अब आपको फोन पे ऑडियो रिकॉर्ड करनी है गाइस। ठीक है, अब मैं इसको ऑडियो रिकॉर्डिंग भी आपको सुना देता हूँ, कैसा ऑडियो रिकॉर्डिंग इसमें आने वाला है। ठीक है, मैं इसके लिए अपने फोन पे ऑडियो रिकॉर्डिंग को ऑन कर देता हूँ ताकि आपको ऑडियो क्वालिटी सुना सकूँ। ठीक है, सो मैं यहाँ पे अभी ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस हेडफोन। ठीक है, हेडफोन से भी आप अपनी ऑडियो क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, अगर आपके पास माइक नहीं है, प्रेफरेबल नहीं कर सकते माइक लेने के लिए, या बोया BYM1 माइक के लिए आप वेट कर रहे हैं, तो फिलहाल अपने एक एयरफोन से भी आप ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो पे आप जो आवाज़ सुन पा रहे होंगे वो हमारी फोन के एयरफोन से सुन रहे होंगे, एयरफोन की माइक से जो आवाज़ आ रही है वो आप सुन पा रहे होंगे, और आई होप गाइस कि आपको इसकी क्वालिटी अच्छी देखने को मिल रही होगी। ठीक है दोस्तों, अभी आपने जो आवाज़ सुना हमारा वीडियो पे, मैं इस वाले रिकॉर्डिंग का आवाज़ मैंने मिनिमाइज कर दिया था और अपने जो फ़ोन से हमने रिकॉर्डिंग करी थी उसके मैंने आवाज़ ऑन कर दिया है, और वो जो आवाज़ रिकॉर्ड हुई है वो हमारी इससे हुई है, अपनी हेडफोन से गाइस। इस हेडफोन से भी आप अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपके पास अगर एयरफोन नहीं है, सॉरी आपके पास अगर माइक नहीं है, तो नॉर्मली आप कोई भी एयरफोन को यूज़ करके अपने एज अ माइक क्रिएट कर सकते हैं। सो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह से इंटरेस्टिंग वीडियोस को जानने के लिए, सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, बाय द वे अगर आपके पास कोई जो पफ हो, जैसे यहाँ पे भी आप पफ देख पा रहे होंगे, ये पफ है, तो पफ इसके ऊपर भी आप लगा के अच्छे से आवाज़ को रिकॉर्ड कर पाएंगे। उससे क्या होगा कि आपकी जो विंड होगी, जो हवा चल रही होगी, उसको वो रोकेगा और एक अच्छी क्वालिटी की आवाज़ देगी। ठीक है, मैंने अभी लगाया नहीं था, आप लगा सकते हैं, मार्केट से आप ले लेंगे 10-15 रुपये का आपको वो पफ मिल जाएगा गाइस। ठीक है, तो आज के वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं।